नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं नाम विक्रम और आप देख रहे हैं इंडियन होटल यूट्यूब चैनल, और मैं आप लोगों के लिए क्या हूँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से संबंधित कुछ खास इंटरेस्टिंग से न्यूज और अपडेट्स। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर सबसे पहले अपडेट की बात करता हूँ तो वो है मेरे इंस्टाग्राम को लेके, जो आपका पहले मेरे इंस्टाग्राम का नेम था विक्रम भंडारी ऑफिशियल, उसको मैंने हटा के विक्रम भंडारी 06 कर दिया है। जो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर डेली अपडेट्स और आपकी जॉब वैकेंसीज के लिए स्टोरीज में आते रहते हैं। दूसरे यहाँ पर अपडेट की बात करते हैं तो ये आती है हमारे गॉर्डन रैमजी को लेके, सेफ गॉर्डन रैमजी। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो आई डोंट नो, बट यस आपको पता है कि नहीं गॉर्डन रैमजी कौन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। बट गॉर्डन रैमजी ने अभी प्लान कर रहे हैं कि वो इंडिया में अपना रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हिसाब से मालूम पड़ रहा है। और अगर वो इंडिया में अपना रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो शायद माइट बी केरला में ओपन कर सकते हैं। तो आप लोगों का कैसा रिएक्शन होगा, आपके आपने जो उनकी वीडियोस देखी हैं जैसे वो अपना ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं। Let me ask that table there. Sir, the tip that you left, the young lady server, the owner takes the tips. No. Okay. Don't fuck with me. Bruce, it's not funny. It's not funny. I am fucking pissed off. अगर वो इंडिया में आकर ये सब करें तो कैसा रहेगा और इंडियन का रिएक्शन क्या रहेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। यहाँ पर दूसरे अपडेट की बात करते हैं तो दोस्तों ये आती है द लीला होटल एंड रिसोर्ट की तरफ से। यहाँ पर BMW ने 45 न्यू कार्स ऐड करने वाली है लीला होटल को, वहां पर जिसमें कि R7, R5 और RX5 BMW की सीरीज कार रहेंगी। आप लोगों को अगर पता नहीं है तो बता दूं कि जो लीला होटल्स है वो अपने गेस्ट को पिकअप एंड ड्रॉप के लिए BMW कार्स यूज करती है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो लीला ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर BMW की कार यूज की जाती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि और दूसरे कौन से होटल्स हैं जो लग्जरी कार यूज करते हैं अपने गेस्ट के लिए। दूसरे अपडेट की बात करते हैं तो दोस्तों यह बात आती है हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी बहुत कुछ कर रही है बट यहां पर होटल्स वालों के लिए उन्होंने बोला है कि न्यू नॉर्म्स निकाल रखे हैं कि जितने भी आपके इन हाउस गेस्ट हैं सिर्फ वही आपके रेस्टोरेंट में आके खाना खा सकते हैं और आउटसाइडर गेस्ट उसमें अलाउड नहीं है। देखते हैं अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या न्यू अपडेट लेके आती है इस बारे में। दूसरे अपडेट की बात करते हैं तो दोस्तों ये आती है हमारे गोवा, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका को लेके, गवर्नमेंट के न्यू नॉर्म्स को लेके, जिसमें कि बार आपके सिर्फ इन तीन ही स्टेट में अभी अलाउड किए गए हैं कि बार आप बार सर्विस दे सकते हैं, बार ओपन कर सकते हैं, बट और स्टेट में अलाउड नहीं है। देखते हैं अभी आगे, अभी हमारे बहुत सारे होटल्स ओपन हो गए हैं, 75% होटल को मिल गई है उनको होटल ओपन करने की अनुमति। तो देखते हैं अभी आगे आगे जाके ये शायद बार भी वापस खुल जाए और हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वापस अपने ट्रैक पे आ जाए। दूसरे अपडेट की बात करते हैं तो दोस्तों ये आती है हमारे जोमेटो को लेके और स्विगी को लेके लॉस। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी जो POS पॉइंट ऑफ सेल था, अभी हमारे जो जोमेटो और स्विगी हैं वो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जिसमें कि वो अब कस्टमर से ऑर्डर लेती हैं अपने पास, उसमें कुछ ऑर्डर का जो उसमें पैसा आता है उसमें कुछ कमीशन अपने पास रखती हैं और वो अपने थर्ड पार्टी को, जो कि हमारा रेस्टोरेंट है, मेन जो हमारा रेस्टोरेंट है उसको ऑर्डर प्लेस करती हैं। बट यहाँ पर अभी न्यू अपडेट आने की वजह से अभी इन्होंने बोला कि जो POS है उसमें डायरेक्ट रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं, रेस्टोरेंट हैं जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्लाउड किचन हैं, उनको डायरेक्ट सब कुछ दे दिया जाएगा कि उनके पास सिस्टम लग जाएगा, वो वहाँ से खुद मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि जो एक कमीशन है वो उनका वापस उनके पास ही आए डायरेक्ट, इसकी वो बीच में पैसा कटे ना। ये अच्छी बात है जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है या फिर मैं बात करता हूँ क्लाउड किचन है, उनको उनके बिजनेस के लिए ये जो अब डिग्रेशन कर रखा है वो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे अपडेट की बात करते हैं तो दोस्तों ये आती है हमारे मैरिट ने स्टार्ट किया था इसको कॉकटेल ऑन व्हील या फिर सेफ ऑन द व्हील, जिसमें कि क्या होगा कि आपके अगर कोई भी गेस्ट हैं, अगर आपके कोई अगर आप घर पे बैठ के अगर कुछ कॉकटेल वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपके पास पूरा सामान आएगा, गेस्ट अपने जो बारमैन्स हैं अपने पूरा इक्विपमेंट लेके आएंगे और आपके घर पे कॉकटेल बना के आपको सर्व करेंगे। और सेम टू सेम आप अगर आप घर पे खाना खाना चाहते हैं और वो सेफ लोग अपना सारा इक्विपमेंट्स अपना मीजा लेके आके आपके घर पे ही आपको खाना बना के खिलाएंगे, तो बहुत ही अच्छा एक यू नो न्यू इनोवेशन है, न्यू आइडिया है। देखते हैं अगर ये कैसा करके जाता है। मैरियट की बात करूं मैं, मैरियट ने स्टार्ट किया था यहाँ पर, रेडिसन ब्लू हो गया और या अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हयात ने, ये सब इस प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। देखते हैं पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे नए नए आइडियाज आ रहे हैं, आई होप सब कुछ अच्छा हो जाए। और यहाँ पर दूसरे अपडेट की बात करता हूँ तो ये आती है NCERT एग्जाम 2020 को लेके, बहुत सारे लोग के अच्छे रैंक आए हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2000 तक के जिसके रैंक आए हैं उनको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। और आपके फ्यूचर के लिए मैं तो बस यही कामना करता हूँ कि आपका फ्यूचर अच्छा हो। आप लोग के बहुत ही जल्द एक स्पेशल वीडियो आने वाली है 2020 के NCERT एग्जाम को लेके कि अब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपकी लाइफ कैसी होगी और आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आया ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अगर यहाँ पर तक वीडियो देख ही लिया है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद सेलेक्ट ऑल में कर दीजिएगा जिससे कि मैं आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वन मोर टाइम, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए, व्हाटएवर यू वांट जस्ट डू इट मैन।
थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे सेफ।